अब जब पैदा हुए तो उसके बाद आपको मुझे याद नहीं है, बोलते जैसे माँ बता रही थी गोद में था ले गए थे ये, तो फिर वहाँ कितना अरसा रहा, कितने अरसा वहाँ रहे यार? वहाँ काफी अरसा रहा, मतलब 15-16 साल 17-18 साल की उम्र में वापस आ गया यहाँ आगे, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू रहे नहीं वहाँ पर फिर हम भी जब वहाँ पर आप रहते थे तो वाले आप यहीं पर थे, वो भी वहीं पे थे? नहीं वहाँ थे, वो भी वहीं थे, सब आते थे घोड़ा गाड़ी में। अच्छा ये सीमेंट फैक्ट्री है तो लियारी में कोई रिश्तेदार वगैरह है? लियारी वही गार्डन एरिया में, लियारी लेनी है गार्डन एरिया में। हाँ। तो वो वाली साहब भी रिश्तेदार, वो कहते हैं एक एरिया है ना पुराना गोलीमार, यही गोलीमार गार्डन के साथ में। सही फिर उनके बच्चे कजन वगैरह आपके सिंध में मलीर में ज्यादा जो कांदान जो बलूचिस्तान एरान साइड में। सही तो यहाँ की आर्मी ट्रेनिंग आपने यही की आर्मी में जब आगे तो ज्वाइन की थी आते ही ज्वाइन कर दी थी आर्मी ज्वाइन किया ना आर्मी का जो है ना वो जब मैं ये हमारे एक रिश्तेदार का एक होटल होता था कोटा किपिन का वो अलैल एरिया है रोड के साथ में मेरा पासपोर्ट का वो प्रोसेस चल रहा था तो कह रहा था यार आप पढ़े लिखो मेरा काउंटर संभालो। मैं कंदूरा पहन के खड़ा होता था वहाँ पर उसका हिसाब किताब देखता था तो मैं देखता यार सारे पाकिस्तानी इधर से आ रहे हैं ये कहाँ से हैं। अच्छा शाम को आते रोटी लेने के लिए ना। अच्छा मुझे भी पता नहीं होता ये कहाँ से आ रहे हैं बिग बॉस है ना। अच्छा वो मुझसे बातें नहीं करते मेरा कंदूरा देर के समझते थे ये ओमानी है। मैं खुद पता परसों आपको ओमानी समझा जब आपने मिलाया ना वैसे ही ओमानी लेकिन ओरिजिनल मैं नेटिव में समझा इनको ना। मैं खुद एक दिन गया उनके तंदूर में ना तो मैंने कहा कि अरे इनको जो है ना रोटी जरा अच्छे बना के दे दो सब चूक गए सब क्या हाल है कैरियर से फिर उर्दू जब बात की दोस्तों मेरा उर्दू भी अच्छा खासा जो है ना सीधी किस्म की थी सही अरबी तो मैं नहीं जानता कि नया नया था तो बोलते आप तो आप जो है जब आर्मी से जब रिटायर हुआ तो कौन सा ओहदा था आपके पास? मेजर? मेजर। अच्छा तो जब मैं आर्मी में भर्ती हुआ हाँ गोरे ने